देश दुनिया राजनीति से जुड़ी हुई खबरें जो कि आपके और हमारे लिए जरूरी है। चलिए नजर डालते हैं इस अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके बाद कांग्रेस ने उन पर जवाबी हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम की ओर से एक बयान आया है, जो बयान बताता है कि किस तरह से सरकार की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो आपको बता दें कि आखिर क्या कहा गया है। कहा गया है कि सरकार के पास पूरी व्यवस्था है, 40 दिन के लिए अपना सबका इंतजाम खुद कर सकते हैं, भोजन के लिए, दवाई के लिए, धन धान सब कुछ है सरकार के पास, जो आपके लिए वो दे सकती है, लेकिन देगी नहीं, रो मेरे प्यारे देश। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन सवाल उन्होंने ये उठाया कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जनता को क्यों नहीं दी जा रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर की ओर से सवाल ये उठा है कि सरकार के पास पूरी सुविधाएं हैं तो गरीब जनता को क्यों नहीं दी जा रही है, और उन्हें ये मालूम था, फरवरी से मालूम था कि स्थिति आने वाली है, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान भी दिया है। तो इसी पर उन्होंने कटाक्ष करा है और उन्होंने कहा है कि गरीबों को 40 दिन के लिए अपना इंतजाम खुद करने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन देगी नहीं,